वेलकम बैक। मैं हूँ चिलीज किचन से और मैं आज लेकर आई हूँ अपने और आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी। मैं बनाऊंगी अपने किचन में लाहौरी अड़ीसा चिकन के साथ बनाएंगे और कबाब बनाएंगे और इसको बहुत अच्छा सा पालक का तड़का लगाएंगे। रहिएगा मेरे साथ और ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी प्रॉपर रेसिपी। हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अड़ीसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसमें डालेंगे ऑयल। चलें इसको हम होने देते हैं कुक, कि अच्छा सा गोल्डन होगा तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तब तक हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पर मेरे पास है एक पाव के जितनी मूंगी की दाल छिलके वाली। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले क्लीन करके वॉश करके पानी में सोक करके रखा था। ये हमारे पास राइस है, इनको मैंने लिए एक पाव मेरे पास दाल है, हाफ पाव मेरे पास चावल है और हाफ पाव ही मेरे पास यहाँ पे गंदम का दलिया है। होल व्हीट जो होती है ये वो वाली मेरे पास फुल नहीं थी तो मैंने ये क्रश वाली यूज की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें डालेंगे पानी 1 कप भर के। 2 मग मैंने डाल दिए पानी के। बस हम इसको सिंपली पकने देंगे, हमने इसमें कुछ भी नहीं करना। इसको कवर करेंगे 30 मिनट्स तक, इसको पकने देंगे 30 मिनट्स में। फिर हम इसको अपने चिकन में डालेंगे और इसका नेक्स्ट अप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से गोल्डन। देखिए व्यूअर्स, हमारा जिंजर गार्लिक लाइट सा गोल्डन हो गया। हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। मेरे पास 1/2 kg चिकन है, बोनलेस थाई पीसेस हैं जिनको मैंने क्यूब्स में थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का काट लिया। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करने तक इसको भूनूंगी और फिर मैं इसमें स्पाइस शामिल करूँगी। देखिए व्यूअर्स, हमारे चिकन का गोल्डन कलर हो गया। अब हम इसमें स्पाइस शामिल कर देते हैं। सबसे पहले तो लाहौरी अड़ीसे में आपको पता है कि लाल मिर्च कम जाती है, हरी मिर्च मैंने 7-8 मेरे पास की मिर्चें मैंने वो चॉप करके डाल दी हैं। 1/2 tablespoon मैं इसमें डालूंगी रेड मिर्च पाउडर, 1/2 tablespoon बस। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर का और 1/2 tablespoon से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें शामिल किया है सॉल्ट। 1/2 tablespoon मैं इसमें शामिल करूंगी कोरिएंडर पाउडर। 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इसको हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से इस मसाले को हम भूनेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर करेंगे और इसको हम अच्छे से गलने के लिए छोड़ेंगे 30 मिनट तक। चलिए इसका देते हैं कैप। 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 30 मिनट तक हम अपने इस अड़ीसे की दालों को पकाएंगे जिसमें हमने मूंगी की दाल और दलिया और राइस शामिल किए। 30 मिनट के बाद हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे और फिर अपनी डिश डन करेंगे। आपको मैं मिलती हूँ 30 मिनट के बाद। देखिए व्यूअर्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा चिकन, ये देखिए ये कोरमा बहुत अच्छे से बन रहा है। ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको, ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, इसके रेशे करेंगे इसमें। और इस तरफ मैं आपको दिखाती चलूँ, ये हमारे जो चावल और ये दाल थी और ये जो हमने बीफ डाला था इसमें, ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसको अब हम हैंड ब्लेंडर से कर लेंगे, अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, इसकी पेस्ट बनाएंगे, चिकन का रेशा बनाएंगे, इसको भूनेंगे, इसका रेशा बनाएंगे आपके सामने और फिर डन करेंगे अपना लाहौरी अड़ीसा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पर मेरे पास पालक है, इसको मैंने वॉश कर लिया और इसको मैंने मोटा मोटा रफली काट लिया है। ये कच्ची पालक है और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे और इसका लगाएंगे तड़का। यहाँ पर मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है और मेरे पास चिकन है, मेरे पास ऑनियन स्लाइस है, ग्रीन चिली है, नमक मिर्च डालेंगे, इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे और इसके बहुत अच्छे से कबाब बनाएंगे, फ्राई करेंगे और अपने अड़ीसे को रेडी करेंगे। तो चलिए हम इसका पानी ड्राई करते हैं और हम हैंड ब्लेंडर के साथ उसको करते हैं ब्लेंड। अच्छी सी पेस्ट इसकी बनाते हैं और
देखिए हम इसको, ये चिकन हमारा अच्छे से भुन गया है। मैं इसको ऐसे ही स्पून के साथ ही इसके रेशे बना लूँगी, बहुत आराम से बन जाएंगे ये सारे। इसके रेशे बनाने हैं, हमने इसको बिल्कुल भी पीसना नहीं है। बहुत अच्छे से इसके रेशे बनाएंगे, वहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से। चले चिकन के रेशे बना के इसको ब्लेंड करके फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। लोग देखिए व्यूअर्स, चिकन मैंने रेशा कर लिया सारा और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है और ये रेडी है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमने कितने अच्छे से इसकी पेस्ट बना ली, ये भी अब रेडी है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, सारे चिकन को शामिल करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे चिकन को इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा ये मिक्स हो गया और ये कितना यम्मी लग रहा है अभी से। अभी हम इसको 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से इस चिकन के साथ, ताकि ये जो हमारा वीट और राइस और दाल का मिक्सर था ये इसके साथ बहुत अच्छे से हो जाए मिक्स। इसको कवर करूँगी मैं और इसको मैं पकने दूँगी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए इसको हम यहाँ पर पकने देते हैं। चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए व्यूअर्स, हम ये कबाबों के लिए कीमा रेडी कर लेते हैं। और यहाँ ये देखिए ये पालक को मैंने कर लिया बहुत अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड, बहुत अच्छे से ब्लेंड। अब हम इसका बनाएंगे तड़का। तड़का बनाएंगे हम यहाँ पे बहुत अच्छा सा, जो हम अपने यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी देसी घी, क्योंकि इसका असल टेस्ट तो देसी घी के साथ ही आता है। अगर आपको नहीं पसंद, आप नहीं करना चाहते तो आप फिर दूसरे वाले और घी में कर लें, घी में भी नहीं करना चाहते तो ऑयल में कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर देखते चलते हैं हम अपने हड़ीसे को। ये देखें हमारा कितना मज़ेदार हड़ीसा बन के रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें। अगर आप थोड़ा पतला करना चाहिए कर लें, लेकिन ये ऐसे ही टेस्टी लगता है। अभी इसका फ्लेम ऑन है और ये पक रहा है, 5-7-8 मिनट के लिए और भी पकेगा। क्यों जीरा, हमारे पास यहाँ पे जीरा था, तड़के में हम जीरा शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम ये अपनी पालक यूज करेंगे और इसका अच्छा सा तड़का बनाएंगे। इसको कुक करेंगे हम इस घी के साथ अच्छी तरह से। इसको फ्राई करूंगी और फिर इसको अपने हड़ीसे में शामिल कर दूंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारा तड़का रेडी हो गया, हम इसको डाल देते हैं अपने हड़ीसे पे। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। सारे तड़के को अच्छे से हड़ीसे में मिक्स करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बनाऊँगी छोटे छोटे से कबाब। ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये कीमा, मैंने इसको ब्लेंड किया अच्छे से और पीस लिया। बिल्कुल छोटे साइज के कबाब बनाएंगे। बहुत इजीली बन जाते हैं, अपने हाथों को वेट कर लें और आप बड़े अच्छे से छोटे छोटे से कबाब बना लें। चलिए मैं ये सारे कबाब बना लूँ इसी साइज की और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे फ्राई करूँगी और अपने हड़ीसे के अंदर इनको शामिल करूँगी। बना लिए थे और अब इसको हम
ऑयल में करेंगे अच्छे से शेडो फ्राई फ्राई करेंगे और फिर हम इसको अपने हरीसे में डालेंगे। हरीसा हमारा वहाँ पे पक रहा है, इसमें कितना अच्छा सा रेडी हो गया। बस कबाब बनाते हैं, इसमें डालते हैं और इसको टर्न करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसको। ये देखो इस कबाबों का इसे टर्न करूँगी, दूसरी तरफ से पकाऊंगी और इनको मैं डालूंगी अपने हरीसे में और आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लाहौरी हरीसा बनाया आपके सामने, बहुत मज़े का बना, कबाब बनाए, इसके अंदर डाले, ऊपर से गार्निश किए, बहुत मज़े का बना, टेस्ट मैंने किया, आप ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे मेरे जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।